चलो सेकंड ईयर में अपना जो पहला पेपर है, पेपर नंबर फर्स्ट, 33 मार्क्स का है अपने पास, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी। हमारे पास इसमें 4 यूनिट्स होता है पेपर में। कितने यूनिट्स होते हैं? 4। इसमें से फर्स्ट और सेकंड जो यूनिट है आपका, पहला और दूसरा जो यूनिट है वो किसका है? वो है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक, अपने पास जो थर्ड एंड फोर्थ जो यूनिट है वो यूनिट है अपने पास स्टैटिस्टिक्स का। ठीक, इसका मीनिंग, पहले तो जो यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स के, उसमें हमें डिस्कस करना है हाँ, हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड जो पहले दो यूनिट है वो है थर्मोडायनेमिक्स के। इन दोनों यूनिट्स में हमें पी मीन्स प्रेशर, वी फोर वॉल्यूम, टी फोर टेम्परेचर, यू फोर इंटरनल एनर्जी, पी वी टी यू, इस सब के बारे में डिस्कस करना है। और इसके साथ डिस्कस करने के अलावा इसके रियल वैल्यूज को डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करना है इसके रियल वैल्यूज को, मीन्स बोले तो इसके जो वास्तविक मान हैं उन वास्तविक मानों के बारे में क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। एक बात। दूसरी बात, स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे पास, जिसको अपन बोलेंगे सांख्यिकी, सांख्यिकी के अंदर हमें 3 प्रकार की सांख्यिकी है हमारे पास, एमवी स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक, ये होगी मैक्सवेल बोल्ट्जमान। ठीक, एक सेकंड जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास वो है फर्मी डिराक। और एक जो तीसरी स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास वो है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअली हमारे पास जो 4 यूनिट्स, उन 4 यूनिट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है। पहले जो 2 यूनिट हैं वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोले तो ऊष्मा गतिकी से। उसमें एक्चुअली हमें ऊष्मा के बारे में जानकारी, ऊष्मा के क्या क्या प्रकार हैं, ऊष्मा के साथ साथ ताप, जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के बारे में नॉलेज, कई सारे पार्ट्स के बारे में क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। और स्पेशली उसमें भी प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर बोले तो ताप के बारे में, और यू इंटरनल एनर्जी मीन्स आंतरिक ऊर्जा के बारे में, इन कई सारे पार्ट्स के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपन स्टैटिस्टिक्स में बात करेंगे। अच्छा, हमने एक बात जो कही कि थर्मोडायनेमिक्स में अपन को रियल वैल्यूज का मीन्स वास्तविक मान के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। अगली जो बुक को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यही है कि पहले जो 2 यूनिट्स हैं वो उसको किसमें वास्तविक मान, रियल वैल्यूज की फॉर्म में क्या करेगा, डिफाइन करेगा। स्टैटिस्टिक्स किसी भी वैल्यू को अधिकतम प्रायिक जो वैल्यू होती है, अधिकतम प्रायिक का मीनिंग मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यूज होती हैं, उन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज में क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ठीक, तो अपन सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन है आपके लिए, 33 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक, चलो अपन फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, पहले सारी चीजें समझेंगे उसके बाद आगे बात करेंगे।
हमारे पास जो पहला यूनिट है हमारा वो है थर्मल इंटरेक्शन। और थर्मल इंटरेक्शन का मीनिंग ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। ठीक, थर्मल इंटरेक्शन का मीन्स ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। और उसमें पहला अपना जो टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो है ऊष्मा। पहला टॉपिक क्या है हमारा? ऊष्मा, हीट। अपन क्या करेंगे, ऊष्मा के बारे में बात करेंगे, डिफाइन करेंगे ऊष्मा क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार की ऊष्मा हीट होती है, उस सब के बारे में क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। देखो ऊष्मा का मीनिंग क्या होता है, वो कहता है एक ऐसा कारक या फिर कहें ऊर्जा का वह कारक, ऐसा कारक बोले या फिर ऊर्जा का वह कारक जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह करे क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ऊष्मा जिस वर्ड को हम कह रहे हैं वो एनर्जी का एक ऐसा फैक्टर है या एक ऐसे टाइप की एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। वो क्या है? ऊष्मा है। ठीक, एक्चुअली हीट के जो मात्रक होते हैं, बहुत सारे मात्रक होते हैं हमारे पास हीट के, सबसे पहला जो मात्रक होता है वो होता है जूल। आप लोग ऐसा करो जो भी अपन यहां से लिखा रहे हैं उस सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट्स आपको बाद में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जैसे ही यूनिट का एक पार्ट कंप्लीट होगा उसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अभी तो आपको जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट आपको लग रहे हैं उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हाँ, तो मैं बात कर रहा था ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में। हीट क्या होता है? एक ऐसा कारक या ऊर्जा का वह कारक, कारक को जरिए अपन रूप भी बोल सकते हैं, फॉर्म, एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करे? फ्लो करे, उसको अपन क्या कहेंगे? ऊष्मा कहेंगे। मीन्स जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करता है? मूव करता है या फ्लो करता है। अपने पास एनर्जी के बहुत सारे मात्रक होते हैं या ऊष्मा के बहुत सारे मात्रक होते हैं, एक होता है जूल, एक होता है कैलोरी, एक होता है अर्ग और एक होता है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये कई सारे पार्ट्स होते हैं हमारे पास किसके? एनर्जी के मात्रक होते हैं। ठीक, जूल, कैलोरी, अर्ग, BTU, ये सिंपली ये तो आप लोग पढ़ते भी हो, जूल के बारे में, कैलोरी के बारे में, अर्ग के बारे में। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा, अपने पास जो ऊष्मा होती है वो दो प्रकार की भी होती है, जरा उस ऊष्मा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो दो प्रकार की ऊष्मा कौन कौन सी है? देखो जरा ऊष्मा के प्रकार, हमारे पास दो प्रकार की ऊष्मा है, एक होती है अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा, एक दूसरी ऊष्मा होती है ताप परिवर्तन। अच्छा देखो, एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास पदार्थ की अपन पढ़ते हैं पांच अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पांच।
नॉर्मली तीन अवस्थाओं के बारे में तो अपन डिस्कस कर ही लेते हैं, ठोस बोले तो सॉलिड, द्रव लिक्विड गैस। इसके अलावा और दो अवस्थाएं भी होती हैं पदार्थ, एक होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में अपन फाइनल ईयर में डिस्कस करते हैं ठीक, और एक होती है हमारे पास बोस संघनन। बोस कंडेंसेशन। हमारे पास पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पांच अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और बोस संघनन। एक्चुअली बोस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर उसने इसके बारे में बताया था, इसलिए उसको बोस संघनन बोस कंडेंसेशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अपन को थर्मोडायनेमिक्स में इन तीन स्टेट्स से काम है पदार्थ। हमारे पास तीन स्टेट्स कौन कौन सी होंगी? ठोस द्रव और गैस। अवस्था परिवर्तन की जो ऊष्मा है, मीन्स अगर हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, पदार्थ का स्टेट चेंज हो रहा है, तो उससे जो एनर्जी या जो हीट है उसके बारे में अगर बात करें, तो वो जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो किसकी है? स्टेट के चेंज होने की, अवस्था के परिवर्तन होने की क्या है? ऊष्मा है। एक्चुअली जैसे मान लो ऐसा हो कि कोई पदार्थ या 0 डिग्री सेल्सियस का क्या है? बर्फ है। आपके पास क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है। आप उससे क्या बनाना चाह रहे हो? 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। अच्छा, ये अवस्था परिवर्तन है। आपने क्या किया? पदार्थ की ठोस अवस्था को इसमें कन्वर्ट कर दिया द्रव में, मैं सॉलिड स्टेट को आपने लिक्विड स्टेट में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। पहली बात, ये 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ था, आपने 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बना दिया? उसको पानी। ये हुई अवस्था परिवर्तन, ठीक है। या फिर आप ऐसे कहो 100 डिग्री सेल्सियस का जल, जल बोले तो वाटर, हाँ, और 100 डिग्री सेल्सियस का बाष्प वेपर। आपने क्या किया? 100 डिग्री सेल्सियस के जल को 100 डिग्री सेल्सियस के बाष्प में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। तो ऐसी अवस्था, अच्छा इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? इन दोनों में कॉमन ये है कि इन दोनों ही अवस्थाओं में ताप परिवर्तन हुआ है। टेम्परेचर क्या है? चेंजेबल नहीं है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसका मीन्स अवस्था परिवर्तन की जो ऊष्मा है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? ताप के परिवर्तन पे निर्भर नहीं करती। इसका मीनिंग यह है कि जब भी आप अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा के बारे में बात करोगे, तो वो ऊष्मा ऐसी होगी जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मीन्स टेम्परेचर नॉट चेंज। इस अवस्था में, मीन्स किसी पदार्थ की सिर्फ अवस्था परिवर्तित हो, बर्फ से पानी बन जाए, ठीक है, या फिर अपन कह रहे हैं कि जो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, बॉइलिंग जो वाटर है, पानी का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। इससे क्या हो जाए? 100 डिग्री सेल्सियस का बाष्प बन जाए। तो इस अवस्था की जो ऊर्जा है या अवस्था परिवर्तन की जो ऊष्मा है वो क्या कहलाती है? इस तरह का मैटर आता है, ठीक है। तो जरा एक बार की देखो इसको, कोई बात समझ नहीं आए तो पूछो दोबारा से, ठीक। अच्छा बताओ, बोलो जरा, बात समझ आई? चलो अच्छा सुनो, इसके मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जरा। आ जाओ, अरे बोल। देखो अवस्था परिवर्तन की जो ऊष्मा होती है H, उसको किससे डिनोट करते हैं अपन? H से। H इक्वल टू होता है ML। H इक्वल टू क्या होता है? ML। M पदार्थ का द्रव्यमान होता है। M क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक। L क्या होता है? L होता है लेटेंट हीट, ठीक। अच्छा देखो, और लेटेंट हीट का मीनिंग होता है गुप्त ऊष्मा। अब जरा अपन अगर गुप्त ऊष्मा की डेफिनेशन के बारे में बात करें, गुप्त ऊष्मा का मीनिंग क्या है, लेटेंट हीट का मीनिंग क्या है, जरा उसके बारे में अपन बात करें।
सुनो जरा गुप्तूष्मा का मीनिंग है, अगर मान लो मैं इस इक्वेशन में m इक्वल टू 1 ग्राम ले लू, m का वैल्यू कितना ले लें 1 ग्राम, या फिर अपन ऐसे कहें कि m जो है वो 1 यूनिट है, एक इकाई है, ठीक है। वो क्या कहता है, इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की जो ऊष्मा है, इकाई द्रव्यमान वाला जो पदार्थ है मीन्स यूनिट मास का जो पदार्थ है, हमारे पास पदार्थ की कोई सी भी अवस्था में अगर यूनिट मास है उस कंडीशन में m इक्वल टू 1 ग्राम हो या m इक्वल टू 1 यूनिट हो, एक इकाई हो। एक्चुअली क्या होता है केमिस्ट्री में ज्यादातर CGS जो सिस्टम है उसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक। तो m इक्वल टू 1 ग्राम या m इक्वल टू 1 यूनिट एक इकाई भी मान सकते हैं। और वो कहता है कि अगर मान लो अगर पदार्थ का एक यूनिट ले रखा है आपने, द्रव्यमान का एक यूनिट ले रखा है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा l। इसका मतलब गुप्तूष्मा की जो परिभाषा हुई, जो डेफिनेशन हुई, उसका मीनिंग क्या है, वो कहता है एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की जो ऊष्मा है, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक। एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के अवस्था परिवर्तन की जो ऊष्मा है मीन्स उसका स्टेट चेंज होने की जो एनर्जी है, लेकिन पदार्थ कितना होना चाहिए 1 ग्राम या 1 यूनिट होना चाहिए, वो क्या कहलाएगी, अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे, ठीक। जरा बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई, फिर अपन आगे बात करते हैं। बोलो जरा एक बार की, सुनो अगली बात सुनो, यह है ताप परिवर्तन की ऊष्मा, जरा इसके बारे में बात करते हैं, जरा आओ इधर देखो। अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा में हमने क्या किया, पदार्थ की अवस्था चेंज होनी चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, पदार्थ का क्या चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर, सिर्फ उसकी क्या चेंज होनी चाहिए, अवस्था चेंज, ठीक। देखो ताप परिवर्तन की ऊष्मा का मीनिंग क्या है, ताप परिवर्तन की जो ऊष्मा है, अगर मान लो पदार्थ की अवस्था क्या रहे, अपरिवर्तित, मीन्स पदार्थ की अवस्था परिवर्तन नहीं करना है हमें, हमें सिर्फ किसके बारे में बात करनी है, टेम्परेचर के बारे में, केवल ताप परिवर्तन, क्या परिवर्तन होना चाहिए, केवल ताप का परिवर्तन होना चाहिए, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा काम आती है वो क्या कहलाती है, ताप परिवर्तन की ऊष्मा कहलाती है, ठीक। जैसे मान लो h इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, ताप परिवर्तन की जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, h इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, m पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक, s पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा का मीनिंग स्पेसिफिक हीट, ठीक। डेल्टा थीटा ये होता है चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, समझो बात, एच इक्वल टू क्या है एम एस डेल्टा थीटा,
स्टूडेंट्स रिजॉइन करो भाई,